अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोयाबीन के कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है उतनी ही खाने में डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप इसे इफ्तार में ट्राई करें। ये सोयाबीन के कबाब बहुत ही हेल्दी होते हैं, प्रोटीन से रिच होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी में मैं एक कप सोयाबीन न्यूट्रेला चंक्स ये ऐड कर रही हूँ और इसे मैं 10 मिनट के लिए इसमें सोक कर दूँगी। 10 मिनट के बाद ये फूल के सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसे 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं सोख करने के लिए गर्म पानी में। गर्म पानी में सोख करने से जल्दी ये फूल जाते हैं। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने 7 हरी मिर्च ली हैं और 1 ये लेमन है। इसके अलावा हमने यहाँ पर अदरक लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, 1/2 छोटी चम्मच हमने काली मिर्च ली हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है, 1 ये लेमन लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम सोया चंक्स के साथ ही मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो ये देखिए सोया चंक्स हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। तो अब इसका हम जो गर्म पानी है वो निकाल देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडे पानी में डाल के वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसको स्क्वीज़ कर लेंगे। तो मैंने इस ठंडे पानी में डाल लिए हैं। अब इसको मैं हाथों से स्क्वीज़ कर लेती हूँ, इस तरह से निचोड़ लेती हूँ। इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए, अच्छी तरह से निचोड़ना है इसे। ये देखिए मैं जैसे निचोड़ रही हूँ इसको, सारा पानी इसका निकल गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के भी हम स्क्वीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसके अंदर हम ये सारी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ये प्याज और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेंगे। लेमन हमने हटा लिया, लेमन हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम सोया चंक्स को डाल के पीस लेंगे और सोया चंक्स को हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। हरी मिर्च को मैं काट के डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च ही है जो लाल हो जाती है रखे रखे, वही हरी मिर्च है ये। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये प्याज और ये काली मिर्च। काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप यहाँ पे काली मिर्च ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हम इसमें सोया चंक्स ऐड करेंगे। तो आधे सोया चंक्स को हम मसाले के साथ पीस लेंगे, आधे को हम बाद में पीसेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बारीक पीस लिया है, सारे सोया चंक्स को मैंने पीस लिया है और ये इस तरह का इसका कीमा बन के रेडी हो गया है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत ही हेल्दी होती हैं सोया चंक्स, बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च अच्छी क्वांटिटी में ऐड की है, तो इसमें हमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई मसाले इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर सिर्फ इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो उन्हें पीस के, मिक्सी में पीस के उनका पाउडर बना के आप वो ऐड कर लें, या आपके पास बेसन है तो बेसन ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन मैं यहाँ पे पहले 4 से 5 चम्मच बेसन लूँगी। मैं यहाँ पर पहले 4 चम्मच डाल रही हूँ उसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद अगर हमारे डो में और जाएगा बेसन तो हम और भी ऐड करेंगे इसमें। तो पहले हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हाथों से आपको मिक्स करना है इसे। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि है चाट मसाला पाउडर, जो इसमें बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट देगा। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच ले रहे हैं चाट मसाला पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद हम एक बार इसे हाथों से बाइंड करके देखेंगे कि हमारे कबाब बन सकते हैं कि नहीं इस डो से। अगर हमारा कबाब के लिए डो सही होगा तो हम इसमें बेसन ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा पतला लगेगा तो हम इसमें बेसन और ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैं हाथों से इसे देखिए बाइंड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ये हल्का सा सॉफ्ट है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच और ले रही हूँ बेसन के और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मिक्स कर लिया हमने, अब इसके हम कबाब बना लेते हैं। कबाब आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, इसे आप लंबाई में बना सकते हैं, आप इसे टिक्की के शेप में बना सकते हैं। तो मैं इसे शामी कबाब का लुक दे रही हूँ,
छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रही हूँ इस तरह से। इसको आप बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाएं क्योंकि हम इसमें बेसन ऐड कर रहे हैं, तो बेसन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको आप इस तरह की पतली ही बनाएं थोड़ी सी। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। मैंने हाथों को वॉश कर लिया है, हल्के गीले हाथों से मैं इसे बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डो आपको हाथ में लेना है और इस तरह से एक टिक्की की शेप में आपको इसे बना लेना है। मैं इसे टिक्की की शेप में बना रही हूँ, आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कबाब बन के रेडी हैं, शामी कबाब, बिल्कुल वेज शामी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। इस तरह से टिक्कियाँ आप बना लें। तो मैं सारी बना लेती हूँ यहाँ पे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब इनको हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। आप इन टिक्कियों को इफ्तार में ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनती हैं, नॉनवेज का टेस्ट आता है। अगर आपके पास नॉनवेज नहीं है इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे अवेलेबल नहीं है आपके यहाँ, तो आप ये वेज टिक्कियाँ बना सकते हैं, वेज शामी कबाब बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दिया है। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए जब आप इनको फ्राई करेंगे तो, और उसके बाद आपको इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जिससे अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि हमने बेसन ऐड किया है तो इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लें, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आप इसे फ्राई करें। तो मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। जब भी ये टिक्की आप फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो इसे बहुत जल्दी ना पलटें, आप इसे तकरीबन 40 सेकंड्स के लिए एक साइड से सेक लें, या एक मिनट के लिए भी आप इसे एक साइड से सेक सकते हैं, उसके बाद ही आप इसे पलट के दूसरी साइड से सेकें। ये देखिए मैंने इसे पलट लिया है, अब हम इसे दूसरी साइड से भी सिकने देते हैं और इसी तरह से उलट पलट करते हुए हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, जिससे अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इनके ऊपर, बिल्कुल ये हमारे चिकन के शामी कबाब लग रहे हैं, बिल्कुल नॉनवेज लग रहे हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। तो इसको निकाल लेते हैं, दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे सारे शामी कबाब बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए हमारे वेज कबाब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप इसे रमज़ान में इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। आप इसे इमली की चटनी के साथ या हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।